हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजीली ढोकले की रेसिपी। ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी ढोकला बनाने का। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ढोकला बनाना। तो इसके लिए मैंने 2 छोटे कप बेसन लिए हैं और ये अगर आप मेजर करेंगे तो ये 150 ग्राम होगा। तो मैं सबसे पहले इसको छान लूंगी। बेसन को छानना बहुत जरूरी है, उससे जो है ढोकला बहुत ही ज्यादा फ्लफी बनता है। हम इसमें 2 चम्मच सूजी ऐड करेंगे। 2 चम्मच सूजी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, आपको स्वाद अनुसार ही लेना पड़ेगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 चम्मच छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ज्यादा ना ऐड करें। इन सब को हमको लेके मिक्स कर देना है, ये सारे जितने ड्राई इंग्रेडिएंट हैं। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच ऑयल लेके ऐड करेंगे, रिफाइंड ऑयल। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, ज्यादा पानी ना ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए बैटर इसका बहुत गाढ़ा है तो थोड़ा पानी हम और लेंगे और इसको फिर से मिक्स करेंगे। ये इसकी कंसिस्टेंसी कुछ कुछ ऐसी होनी चाहिए, इसको हमको ना ही बहुत गाढ़ा करना है और ना ही बहुत पतला रखना है। मैं आपको स्पून से इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसी होनी चाहिए। तो जैसे मैंने 2 छोटा कप अगर बेसन लिया था तो लगभग 1 कप से थोड़ा सा बस ज्यादा मुझे पानी लगा है। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे कि जिससे सूजी बेसन अच्छे से फूल जाए। ये ढोकला मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। तो कढ़ाई में मैंने 2 ग्लास पानी ले लिया है, उसके अंदर देखिए मैंने एक स्टैंड रख दिया है। अब इस कढ़ाई को हम ढक देंगे और अपना ये स्टीमर तैयार हो जाएगा हमारा। असल में हमें ढोकला बनाना है, उसको हम तैयार कर लेंगे। तो उसको ऑयल से लेके हम चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मिनट के बाद ये ढोकले का बैटर एकदम रेडी हो गया है। तो अब हम इसे ऐड करना है 1 सैशे इनो का और ये 1 चम्मच होगा लगभग। हम इसमें ऐड कर देंगे सैशे लेके और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बस पानी लेके ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच और इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस हमको जल्दी करनी है, ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। और ये देखिए एकदम डबल हो चुका है बैटर। तो अब हम जल्दी से इसको कंटेनर में पोर कर देंगे, टैप कर दें। कढ़ाई हमारी एकदम तैयार है तो अब हम इसे बहुत ही सावधानी के साथ रख देंगे और इसको अब हम ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और इसका ढक्कन हटाए ना, 20 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे पकने दें। के बाद मैंने नाइफ इंसर्ट करके चेक किया, नाइफ एकदम क्लीन है यानी ढोकला पक चुका है। अगर आपको लगे कि अंदर से थोड़ा सा भी कच्चा है तो आप इसको 5 मिनट और पका लें। और अगर आपका पानी खत्म हो गया हो तो साइड से आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने एक तड़का पैन चढ़ा दिया है, उसमें हम 1 चम्मच ऑयल लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें सरसों के दाने और 1 चुटकी हींग लेंगे, ये 1/2 चम्मच सरसों के दाने हैं और 1 चुटकी हींग है। जैसे ही थोड़ा स्प्लटर होगा हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और कटी हुई करी पत्ता ऐड करेंगे। करी पत्ते और कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हम केवल 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस फिर से, जिससे ये और चटपटा हो जाए। और तुरंत अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तड़का हमारा ये देखिए तैयार हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा वार्म होने देंगे, एकदम गरम में नहीं डालेंगे। ढोकला था इसको साइड से स्क्रैच कर लेंगे, ये देखिए अपने आप ही ये साइड छोड़ने लगा है। और उसके बाद हम इसे प्लेट ऐसे लेंगे और इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे। साइड से हम इसको अच्छे से टैप करेंगे और ये देखिए कितना अच्छा इसमें स्पॉन्ज आया है, ये देखिए कितना अच्छा ये फूल के रेडी हुआ है। इसको कट कर लेंगे, मैंने इसको कट कर दिया है और मैं आपको इसका स्पॉन्ज दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए अंदर से
ये कितना जालीदार बना है, ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, कितना अच्छा फ्लफी बन के हमारा ढोकला रेडी हुआ है। तड़का हमने तैयार किया था, ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे खूब अच्छे से, क्योंकि ये जूसी अच्छा लगता है। ढोकला जितना जूसी होता है उतना अच्छा लगता है। हम इसमें खूब सारी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो इसमें कसा हुआ नारियल भी ऐड कर सकते हैं। और इसको 10 मिनट बाद सर्व करें कि जिससे इसमें जूस अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ढोकले की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। ओके, बाय।